आज अष्टमी है, आज हम लोग का अंतिम व्रत है। तो मतलब बहुत लोग नवमी को खिलाते हैं ना, बहुत लोग अष्टमी खिलाते हैं, तो हम लोग कल खिलाएंगे नवमी को। तो आज हमने क्या किया है कि हमने बनाई है साबूदाने की खिचड़ी। तो बस सुबह उठ के और ये साबूदाना हमने मतलब एकदम बहुत जैसे चना वना भिगोया जाता वैसे नहीं, थोड़ा पानी में धो के कई पानी से उसके बाद फिर भिगो दिया था, निथार के ऐसे भिगो दिया। फिर थोड़ी देर बाद देख लेते हैं ऐसे जैसे ये देख लिया, ऐसे देख लिया कि गल गया है कि नहीं गल गया, नहीं तो फिर थोड़ा सा और पानी छिड़क देते हैं। तो फिर उसमें घी या रिफाइंड जिसमें भी आपको बनाना है, हमने तो घी में बनाया, तो उसमें जीरा डाल दीजिए, हरा मिर्चा और साबूदाना डाल के और फिर ढक ढक के जैसे जैसे ऐसे ढक दिए और फिर बार बार खोल के चला देंगे, बार बार खोल के चला देंगे। तो ये साबूदाना एकदम देखिए कितनी अच्छी हमारी खिचड़ी बनी है, एकदम फरर एकदम अलग अलग एकदम बनी है। और मूंगफली भुनी हुई मूंगफली बिना तेल की मूंगफली हमने भून ली थी, तो वो दिखाएं आपको, देखिए इस तरह हमने भून के रख लिया, इतना आगे चल चल के खाएगा। तो मतलब ये दिखाते हैं, ये देखिए ऐसे डिब्बे में भून के छिलका निकाल के फटक के रख लिया। इसको आप नमक से भी खा सकते हैं चाय में। और इसको हमने क्या करते हैं ना कि एक पैकेट में ये देखिए जैसे इस प्रकार के पैकेट जो आते हैं, ये हमारा सेना नमक का पैकेट है व्रत का, क्योंकि कूटना था ना, तो इसमें हमने रख के और बस क्या करते हैं कि इससे ये इससे ऐसे 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 कूट लेते हैं और कूट के फिर हमने इसमें खिचड़ी में डाल दिया और धनिया की पत्ती डाल दी। बस एकदम देखिए फर्स्ट क्लास हमारी साबूदाने की खिचड़ी बन गया। और इसमें हमने आलू नहीं डाला, आलू जो है हमने अलग बनाया है, ये हमने आलू अलग बनाया, ये आलू अलग बनाया। ये टमाटर डाल दिया इसमें, जीरा से पहले जीरा डाला है उसमें घी में और फिर खूब अच्छा भून लिया। उसके बाद फिर एकदम लाल लाल पके पके टमाटर महीन महीन काट के उसको डाल दिया और फिर खूब भून दिया। तो देखिए एकदम लटपट बढ़िया सेंधा नमक डाल दिया, दोनों चीज में सेंधा नमक पड़ा है और ये एकदम हमारा आलू। तो इसी प्रकार और फिर चाय पी लीजिए। और अभी हम क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे सिंघाड़े के आटे की वो बनाएंगे कढ़ी। तो अभी आपको हम बताते हैं ये भून मतलब हमने हलवा बनाया है, हलवा देखिए अब दिखाएं आपको प्रसाद चढ़ाने के लिए रख दिया है ये हमारा हलवा है। इसको हमने आटा भून के और फिर उसके बाद चीनी डाल दो जैसे आटे सूजी का हलवा मतलब उसी प्रकार और चाकू से काट दिया है। तो ये इसकी जो है ये कतली कतली चाकू से काट देते हैं ना, तो ये देखिए ये ऐसे इस तरह ये कतली बन जाती है। तो ये बनाया है, इसी में से हमने थोड़ा सा भुना हुआ आटा निकाल लिया था। अब इसमें दही मिला लेंगे, पानी मिलाएंगे और जैसे बेसन की कढ़ी बनती है घोल दिया जाता है, घोल देंगे और नमक डाल देंगे और फिर थोड़ा सा घी डाल के जीरा डाल के हरा मिर्चा डाल के बस इसको छौंक देंगे और थोड़े से इसमें आलू डाल देंगे, तो बस ये हमारी कढ़ी बन जाएगी। तो इतना सामान आज हम बनाए हैं, देखिए ये तो हमारा हलवा है और ये आलू और ये सभी कढ़ी बनाएंगे तो फिर आपको दिखाएंगे हम जो है। तो बस आप लोग भी इसी प्रकार बनाइए इसमें नवरात्र में, आज अष्टमी है, हम लोग कल से नहीं खिलाएंगे तो कल भी जो बनाएंगे वो उसकी भी रेसिपी आपको बताएंगे। ये हमारा ये है, अभी हम सबका फोटो खींच लेंगे। तो चलिए फिर अभी कढ़ी बनाते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं।